जोमैटो विवाद पर सियासी घमासान शुरू। सोशल मीडिया के जमाने में आज एक ट्वीट ने मचाया सनसनी। एक ट्वीट ने जोमैटो फूड डिलीवरी कंपनी को सोशल मीडिया के चौराहे पर ला खड़ा कर दिया। विवाद सिर्फ इसलिए पड़ गया क्योंकि डिलीवरी करने वाला युवक मुस्लिम था। दरअसल मध्य प्रदेश जबलपुर के रहने वाले अमित शुक्ला ने मंगलवार को जोमैटो फूड डिलीवरी कंपनी से खाना ऑर्डर किया। अमित शुक्ला को जैसे ही पता चला कि फूड डिलीवरी करने वाला युवक मुस्लिम है तो उसने जोमैटो कस्टमर केयर से बात करके सावन महीना का हवाला देकर डिलीवरी बॉय बदलने का रिक्वेस्ट किया, लेकिन कंपनी ने इनकार कर दिया। उसके बाद कस्टमर अमित शुक्ला की तरफ से ट्विटर पर एक ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी गई, जिसके बाद सोशल मीडिया पर विवाद छिड़ गया। देखते ही देखते सोशल मीडिया में ये टॉपिक ट्रेंड करने लगा। उसके बाद कई राजनीतिक एवं बॉलीवुड हस्तियां भी इस मुद्दे पर कूद पड़े। कुछ लोग कंपनी के सपोर्ट में तो कुछ लोग ग्राहक अमित शुक्ला के पक्ष में खड़े हो गए। अब जेहन में सवाल उठना लाजमी है, इस आधुनिक भारत में लोग अब खाना में भी हिंदू मुसलमान का फर्क देख रहे हैं। क्या खाना का भी कोई मजहब होता है? जी हाँ, अगर ऐसा ही मानसिकता रहा तो बहुत जल्द लोग ये भी बोल सकते हैं कि मैं मुस्लिम का उगाया हुआ अनाज या सब्जी नहीं खाऊंगा। जोमैटो के मुस्लिम डिलीवरी बॉय को लेकर जो विवाद हुआ है उस पर सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है। इसी बीच अब राजनेताओं की टिप्पणियां भी आनी शुरू हो गई है। राज्यसभा सांसद माजिद मेनन ने इस मसले पर कहा, जिस व्यक्ति ने इस तरह का काम किया है उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। हालांकि जोमैटो ने इस मसले पर सख्त रवैया अपनाया और जोमैटो की तरफ से ट्विटर पर भी जवाब दिया गया, जिसमें कहा गया कि खाने का कोई धर्म नहीं होता है, खाना खुद एक धर्म है। जोमैटो ने खाना पहुंचाने वाले लड़के के धर्म को लेकर ग्राहक की शिकायत सुनने से इनकार कर दिया। जोमैटो ने कहा, अगर ऐसे ग्राहक हमें छोड़कर जाते हैं तो जा सकते हैं। कंपनी के इस कदम को सोशल मीडिया पर काफी समर्थन मिल रहा है। धर्म के नाम पर जोमैटो से ऑर्डर कैंसिल करने वाले युवक के खिलाफ अब मध्य प्रदेश पुलिस ने एक्शन लिया है। जबलपुर के रहने वाले युवक अमित शुक्ला को पुलिस ने एक नोटिस भेजा है। जबलपुर पुलिस ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि वह दोबारा ऐसे ट्वीट ना करे। 6 महीने के भीतर दोबारा ऐसा हुआ तो जेल की सजा हो सकती है। और उन्होंने मतलब मुझसे पूछा कि ऑर्डर आपके पास में है क्या, तो मैंने उनको मतलब मेरे पास में उतने टाइम ऑर्डर नहीं था। जब उनका फोन कट गया तो उनका रेस्टोरेंट का, रूपाली रेस्टोरेंट का ऑर्डर आया, तो मैंने ये समझा कि उन्हीं का ऑर्डर होगा। फिर मैंने उनको कंफर्म करने के लिए फोन लगाया कि आपका ये ऑर्डर है, तो उन्होंने मुझसे साफ ना ही कर दिया कि ये मतलब आपका ऑर्डर नहीं, ये मेरा ऑर्डर नहीं। कौन थे वो व्यक्ति और क्यों? अमित शुक्ला नाम था सर, आईडी में उनका नाम आ रहा था अमित शुक्ला करके, तो वो मेरे को ऐसा, क्या लगता है ऐसा क्यों किया? हो सकता है सर कि मैं मतलब मुसलमान हूँ, मेरा नाम फैयाज खान आ रहा हो, तो हो सकता है इस वजह से कुछ उनको तकलीफ हो, तो शायद उन्होंने ऐसा बोला हो। लगाने में लागू नहीं हुई कानून की बाध्यता, देश के तिरंगा फहराने में लागू नहीं हुई कानून की बाध्यता, वंदे मातरम कानून में लागू नहीं हुई, तो कानून की बाध्यता टिफिन खाने में लागू कैसे हो सकती है? खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए इस घंटे को जरूर दबाएं।